जहां पर औसा मोहम्मद में म्यूनिसिपल कमेटी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए जबकि सीवरेज की नालियां उबलकर सड़कों पर बहने लगी हैं। अवामी हलकों का कहना है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगने की वजह से एक तरफ मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं तो दूसरी जानी म्यूनिसिपल कमेटी की सरबराही में कोरोना वायरस के बढ़ने का खदशा भी बढ़ गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलैया ढोमकी से। जी अलैया ढोमकी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जाफराबाद के शहर औसा मोहम्मद में म्यूनिसिपल कमेटी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया और गंदगी की वजह से सीवरेज की नालियां बंद होकर गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। शहरियों का कहना है कि गंदगी के ढेर लगने और सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बहने की वजह से शहर में एक तरफ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी तो दूसरी जानब म्यूनिसिपल कमेटी की सरबराही में आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ने का खदशा भी बढ़ गया है। यहाँ पर मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी की नाहली की वजह से गरीब आवाम की टैक्स के पैसों से खरीदी गई करोड़ों रुपए की मशीनरी भी एक जगह पर खड़े खड़े नाकारा हो गई हैं। अवामी हलकों की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अहमद रजा, सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट मीर गोहराम खान बुगटी, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान समेत चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट से म्यूनिसिपल कमेटी उस तमामन के अमले के खिलाफ और जिम्मेदारी ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया लया ढोम की तफसीलात से आगाह करने का।